साकार करें सपने अपने। आज मैं आपको गौ माता के एक से बढ़कर एक उपाय बताने जा रही हूँ। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आपका कोई जरूरी काम बार बार अटक जाता है? ऐसे में एक काम करें, घर से निकलते समय एक साबुत नींबू लेकर गाय के गोबर में दबा दें, उसके ऊपर थोड़ा सा कामिया सिंदूर छिड़क दें और काम बोलकर चले जाएं, तो काम जरूर पूरा होता है। शास्त्रों के मुताबिक गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। गाय के दूध के सेवन से मोटापे की समस्या नहीं होती। एक भी गाय घर में रखने से और सेवा करने से दरिद्रता नहीं आती। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो गाय के दूध का उपाय करना चाहिए। दिन के अच्छे मुहूर्त में जो पंचांग से पता चल जाएगा आपको, किसी पवित्र बहती हुई नदी में दूध प्रवाहित करें। दूध प्रवाहित करते समय काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। ऐसा करने पर निश्चित ही काल सर्प दोष के बुरे प्रभाव को दूर होने के लिए आपके कुछ ना कुछ रास्ते खुलेंगे। दूध प्रवाहित ये नहीं करना कि एक लीटर दूध डाल दिया, अरे दूध किसी गरीब को दीजिए जिसको पीने को नहीं मिलता, सिर्फ दो बूंद डालनी है बस। अगर किसी इंसान की कुंडली में चंद्र से संबंधित दोष है तो उसे दूध का दान करना चाहिए। किसी भी गरीब बच्चे को दूध पीने को दें। इसके अलावा किसी सुहागन फीमेल को दूध से बनी मिठाई का दान भी दे सकते हैं। किसी भी हफ्ते में संडे को एक गिलास दूध का उपाय करेंगे तो पैसे और सुख आने लगेगा। रविवार की रात को सोते समय एक गिलास दूध भरकर अपने सर के पास रखकर सोएं। बेसिकली पानी के अंदर आपको सिर्फ एक दो चम्मच दूध डाल देना है बस। इसके लिए ध्यान रखें कि नींद में दूध गिरना नहीं चाहिए। अगर कोई रोज पीपल की जड़ में कच्चा दूध और जल अर्पित करता है तो उसे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष सभी देवी देवताओं में का वास होता है पीपल के वृक्ष में। इसी वजह से जो भी व्यक्ति पीपल में कच्चा दूध अर्पित करता है उसकी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। दूध और जल अर्पित करने के बाद पीपल की परिक्रमा भी करनी चाहिए। किसी स्त्री का बार बार अगर अबॉर्शन हो जाता है तो उसे नियमित रूप से गाय के दूध और चावल से बनी खीर का सेवन करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद। अगर पैसों की जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो रोजाना शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाएं, फिर घर से कच्चा दूध लेकर किसी मंदिर में जाएं। मंदिर में शिवलिंग पर इतना सा जल, दूध, फूल, अक्षत अर्पित करें और प्रार्थना करें। इस उपाय से पैसों की समस्या दूर हो जाती है। अगर बहुत समस्याओं ने घेरा हुआ है तो एक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पवित्र हो जाएं, जिसके बाद घर में विराजित भगवान के सामने गाय के दूध से बने दीपक जलाएं। इससे सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। बेसिकली दीपक में तेल घी जो भी डालते हैं उसमें दो बूंद दूध भी डाल दें। आप जिस भी देवी देवता का को मानते हैं, पूजन करते हैं, उनके सामने घी का दीपक जलाएं। कुछ दिनों में आपकी समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। और हाँ, उपाय से अलग एक और जरूरी बात, जहाँ भी किसी गाय को भूखा देखें या सड़क पर चोट खाया देखें उनकी मदद करें। गाय की ही नहीं सभी जानवरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हर जानवर किसी न किसी भगवान को प्रिय होता है। आप अगर जानवरों से प्यार करेंगे तो भगवान आपसे प्यार करेंगे, और गाय तो माता जैसी ही होती है, उनकी सेवा करनी तो चाहिए ही। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा हो तो किसी के साथ बार बार दुर्घटना या एक्सीडेंट हो रहा है, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को कुछ दूध और चावल किसी जरूरतमंद को दान करें। लगातार 7 मंगलवार इस उपाय को करने से दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी और शांति आ जाएगी। अगर कुंडली में कोई भी ग्रह बुरा असर दे रहा हो तो सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें, अपने आसपास के शिव मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। लगातार 7 सोमवार तक इस उपाय को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही कुंडली में जो भी ग्रह बुरा असर दे रहा हो वो भी टल जाता है। घर में अखंड लक्ष्मी के आवाहन के लिए सोमवार को शिव मंदिर में जाकर दूध मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाते हुए रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें। साथ ही पूर्णिमा को जल में दूध मिलाकर आप चंद्रमा को अर्घ देते हुए घर कारोबार में उन्नति की प्रार्थना करें। इस उपाय का असर तुरंत दिखता है और घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। असाध्य बीमारी से मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को सोमवार को ही आरंभ करें।
सोमवार की रात 9 बजे के बाद किसी शिव मंदिर में जाएं, कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, ओम जूम सह का जाप करें। रोजाना कम से कम 108 बार जाप करें, लेकिन डॉक्टर को हमेशा दिखाना चाहिए। उनके इलाज के साथ साथ ही आप ये उपाय कर सकते हैं। कुंडली में गुरु के अशुभ होने पर, अगर कुंडली में गुरु ग्रह अपना बुरा असर दे रहा है तो वो वक्री हो रहा है। दूध में चीनी या केसर मिलाकर, हल्दी मिलाकर शाम के समय शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाएं। गुरु अपना अशुभ असर त्याग कर शुभ फल देने लगेंगे। हमारे शास्त्रों में एक मैजिकल काओ का भी वर्णन है। जी हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ तो कामधेनु गाय भी उसमें से निकली, जो ऋषि मुनियों को मिल गई। कामधेनु गाय मतलब कि उनसे जो मांगो वो मिलता है। बेसिकली आपको करना क्या है, एक ब्रास की कामधेनु गाय आपको खरीद लेनी है। किसी भी एम्पोरियम मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये कामधेनु गाय जो है, ये चेहरा और चेस्ट तक जो बॉडी है वो औरत की होती है, पीछे गाय होती है। लेकिन कामधेनु गाय आपको ऐसी लेनी है जिसमें थन जरूर हो, जो नीचे से जहाँ से दूध निकालते हैं वो थन जरूर होने चाहिए उस स्टैचू के अंदर। आप फोटो भी निकाल सकते हैं अगर स्टैचू ना मिले। इसको अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा लीजिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है तो शुक्र बलि हो जाएगा और आपके जीवन में प्लेजर, सुख सुविधाएं, स्पाउस का सुख, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन का सुख, ये सारे सुख आने लग जाएंगे। अपने शुक्र को मजबूत करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आपकी बेटी ससुराल में सुखी नहीं है, तो थर्सडे या मंगलवार को 7 गांठ हल्दी और थोड़ा सा गुड़, इसके साथ पीतल का एक टुकड़ा, सबको मिलाकर पोटली में बांधें और ससुराल की दिशा में फेंक दें। वहां हर प्रकार की शांति और सुख होगा। लड़की अपने ससुराल में रहते हुए ये करे। और मेहंदी और साबुत उड़द जिस दिशा में लड़की का घर है उस दिशा में फेंकने से लड़के और लड़की यानी कि हस्बैंड वाइफ में प्रेम बढ़ता है। खूबसूरत लगना किसे अच्छा नहीं लगता, और जब बात करें खूबसूरती की तो दूध एक ऐसी चीज़ है जिससे खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। पिए तो हेल्थ अच्छी, और फेस पे यूज़ करें तो स्किन अच्छी। और दूध की बात करें तो काऊ मिल्क यानी कि गाय का दूध आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप उससे फेस को क्लीन कर लीजिए, थोड़ा सा दूध लीजिए और उसमें कॉटन के एक बॉल लीजिए, पूरे फेस पे उसको यूज़ कीजिए क्लिनजिंग के लिए। तो देखिए आपके जो फेस की स्किन है वो कैसे चमक उठती है, चमक ही नहीं उठेगी गोरी भी हो जाती है। गाय का दूध आपकी स्किन को बहुत ही गोरा करता है। उसमें ज़रा सा अगर आपने शहद मिला लिया और फिर उसको लगाया और लगा के 10 मिनट लगा दिया, और फिर देखें आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। हाइड्रेशन से आपकी स्किन ग्लो तो करेगी करेगी, साथ में अगर हल्के फुल्के कोई छोटे से रिंकल्स है ना, बस उनको भी दूर कर देगी। तो रिंकल्स को ठीक करने के लिए भी गाय का दूध बहुत ही अच्छा है। गाय के दूध को हम चाहें तो अगर कोई सन बर्न हो जाता है, स्किन आपकी डार्क होने लगी है तो उसको ठीक करना चाहें तो उसके लिए गाय के दूध से आप एक स्क्रब बना सकते हैं। ओट मील आजकल ईजीली अवेलेबल है, थोड़ा सा ओट मील लीजिए, उसमें डालिए दूध, 5-7 मिनट भिगो के रखिए, उसको एज अ स्क्रब आप इस्तेमाल कीजिए। उसको फेस पे लगाइए, हाथों से हल्के हाथों से स्क्रब कीजिए 1-2 मिनट के लिए, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए लगा रहने दीजिए। जब सूख जाए तो क्लीन कर दीजिए, और जब आप हटाएंगे तो देखिएगा आपका जो कालापन कहीं भी किसी भी वजह से है, इवन सनबर्न भी ठीक हो जाता है। अगर इरिटेशन हो, आपको लगता है कि स्किन बहुत इरिटेट हो रही है, तो क्या करेंगे, गाय के दूध को एक कटोरी में लीजिए और उसमें डालिए खूब सारी ढेरों सारी बर्फ़ डालेंगे तो वो गाय का दूध जो ठंडा एकदम हो जाएगा ना, उसको फेस पे लगाइए, कॉटन से लगाइए, आप उसको थोड़ी देर लगा के रखिए, इरिटेशन जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। गाय के दूध को आप कितनी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइन रिंकल्स को ठीक कीजिए, हाइड्रेट कीजिए, और इसमें तो इतने सारे गुण हैं, आप जानते हैं इसको पिए तो भी गुण, क्योंकि इसमें विटामिंस हैं, कैल्शियम है और मिनरल्स हैं। तो पीने के साथ साथ जब भी आप गाय के दूध को फेस पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको न्यूट्रिशन का काम भी करेगा। तो गाय के दूध को आप कैसे भी इस्तेमाल करें, उससे नहाएं, उससे मैनिक्योर करें, पेडिक्योर करें, मैनिक्योर वाले पानी में भी आप गाय का दूध डाल सकते हैं और उसको थोड़ी देर आप भिगो के रखें अपने हाथों को, देखिए आपके हाथ जो है खूबसूरत भी होंगे, सॉफ्ट भी होंगे, सपल भी होंगे और गोरे भी होंगे, उसी तरह से पैर भी होंगे। आप चाहें तो इसको फेस के साथ साथ बालों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा पैक बना देती हूँ, बता देती हूँ, जो कि आप यूज़ करें तो आपके बाल अगर रफ़ हैं
तो मॉइस्चराइज्ड हो जाएंगे, सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे। आप लीजिए एक कप गाय का दूध, उसमें डालिए एक केला और उसको मिक्सी में खूब अच्छे से पीस लीजिए, और जब वो पिस जाए, बहुत अच्छी पेस्ट बन जाए, तो उसमें थोड़ा सा आप लेमन डाल सकते हैं और थोड़ा सा शहद। बस बन गया आपका पैक। अपने पूरे बालों पर लगा के रखिए, और जब उसको आधे घंटे बाद धोएंगे ना, तो आपके बालों की रफनेस बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो गाय का दूध हमारे लिए कैसे फ़ायदा देगा, बालों पे भी, स्किन पे भी, हाथों पे भी, और आपका फेस तो खूबसूरती से चमक ही उठेगा। सबसे पहले डाइटिशियन से जानते हैं कि अगर बच्चा दूध पीने से मना कर रहा है तो दूध में क्या मिलाकर बच्चों को पिलाना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि दूध पीने में बच्चे आनाकानी करते हैं, उनका मन नहीं लगता, चिड़चिड़ाहट होती है। सो आप सबसे पहले काम कीजिए, बच्चों को दूध पीने के लिए प्रेशराइज मत कीजिए। कोशिश कीजिए उनके मिल्क में आप कलर्ड आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, आप आइस क्यूब्स में फूड कलरिंग डाल सकते हैं या फ्रूट जूसेस की आइस क्यूब बना सकते हैं। दूसरा आसान तरीका है, आप मिल्क के कलर को चेंज कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके हैं, एक या तो उसमें आप शरबत डाल सकते हैं, जैसे रूह अफ़ज़ा शरबत, खस शरबत, जो उनको कलरफुल देगा, पिंक कलर, ग्रीन कलर, जो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। दूसरा तरीका है, आप उसमें फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, मैंगो, बनाना, जो बच्चों को पसंद भी आएगा और न्यूट्रिशियस बनेगा और मिल्क का कलर भी चेंज होगा। तीसरा पौष्टिक तरीका और है कि आप उसमें बादाम, अखरोट या मेवा जैसी चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर बच्चों को उनका बिस्किट्स पसंद है तो आप उनके फेवरेट बिस्किट्स को भी क्रंच करके आप एक अच्छा सा मिल्क शेक भी बना सकते हैं। आप उन्हें कंप्लीट मिल्क दे सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स के फॉर्म में, दलिया के फॉर्म में, ओट्स के फॉर्म में या म्यूसली के फॉर्म में। साथ आप कुछ उनके फेवरेट फ्रूट्स ऐड कीजिए, आपका प्रेफर्ड ब्रेकफास्ट तैयार है। काउस मिल्क के हम लोग पौष्टिक तत्वों को नकार नहीं सकते। काउस मिल्क एक बहुत एक न्यूट्रिशियस चीज़ है, उसमें एक परफेक्ट अमाउंट में आपका कैल्शियम और विटामिन डी है, जो आपकी बोन्स और टीथ के हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा, उसमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, जो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। मिल्क का ये भी देखा गया है कि उसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, जो आपकी हेल्दी हेयर, आपकी हेल्दी स्किन और आपकी आई साइट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मिल्क में जो अपनी शुगर पाई जाती है, लैक्टोज, वो भी देखा गया है कि आपको कंप्लीट सोसाइटी देने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मिल्क को इसी वजह से कंप्लीट मिल्क भी कहा जाता है। अगर आप मिल्क दो बारी दिन में लें, आपकी पूरे दिन की काफ़ी हद तक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आप कोशिश कीजिए, स्पेशली जो सफ़र करते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ या एथराइटिस के लिए, उनके लिए काउज मिल्क एक रामबाण की तरह माना जाता है। जो लोग वेट लॉस के लिए जाना चाहते हैं, वो कोशिश कीजिए स्किम मिल्क या डबल टोन मिल्क लीजिएगा, जिसमें सिर्फ फैट रिमूवल होता है और उनके बहुत वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा उन्हें। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महाउपाय की। क्या बेटी की शादी नहीं हो रही है? ऐसे में देवोस्थान एकादशी पे कुछ ही दिनों में आने वाली है। आप जानते हैं, देवयानी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन मूर्तियों में हल्दी, चावल, आटे का घोल लगाकर उसकी पूजा करें। लकड़ी का फट्टा लेकर उससे ढक लीजिए, मूर्तियों को लकड़ी के फट्टे से ढक लें। उस पर कुमारी कन्या यानी कि अनमैरिड लड़की को बिठाया जाता है, तो ऐसे में उसकी शादी जल्दी हो जाती है। क्योंकि आज शनि का दिन है, शनिवार है, तो आज मैं आपसे शनि की बात ज़रूर करना चाहूँगी। आप भी जानिए कुछ अचूक उपाय। आपको कम से कम लगातार 21 रविवार को एक उपाय करना होगा। रविवार को सुबह उठकर नहाने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को दूध दें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल, अक्षत, लाल गुलाब की पंखड़ियाँ, हल्का सिंदूर, चीनी मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दें। ध्यान रहे कि जब भी अर्घ दें तो अपनी नज़रें लोटे के नीचे की ओर रखें, जो धार गिर रही है, ताकि सूर्य भगवान की ओर। ये भी ध्यान रहे कि पानी में छींटे पैरों पे ना आए। अर्घ देते समय ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र बोलते रहें। इसके बाद घर में एक ताज़े आटे की रोटी बनाएं। रोटी जब ठंडी हो जाए तो उसे पुराने गुड़ के साथ एक पुराने गुड़ की भेली रखें और किसी गौशाला में जाकर गाय को खिला दें। ध्यान रखें, रोटी गुड़ के सामने फेंके नहीं आपको, बल्कि अपने हाथ से खिलानी है। खुद कंफर्टेबल नहीं है तो आप उनको जो खिलाते हैं, गाय की देखरेख करते हैं, उनको कहिए कि खिला दें। बाद में हाथ जोड़कर गाय को प्रणाम करें। खुद खिलाएं या ना खिलाएं, प्रणाम जरूर करें। ये उपाय लगातार करते रहें, आप देखेंगे कि अचानक आपके घर बनने की योजना शुरू हो जाएगी और कोई भी बाधा नहीं आएगी।
चलिए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है? एक पानी भरे घड़े में राई के पत्ते डालकर इस जल को अभिमंत्रित करकर जिस भी व्यक्ति को जिसको नहलाना है उसको अगर नहलाया जाए तो उसके रोग नष्ट हो जाते हैं। बात यह है कि पानी को अभिमंत्रित कैसे करें। पानी के अंदर अपने लेफ्ट हैंड को डुबोकर राइट हैंड को ऐसे की तरफ कर आपको श्रीम 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 मंत्र का चैंट करना है। आप ही की ऊर्जा से आपका पानी अभिमंत्रित हो जाएगा। आइए बात करते हैं आज के पांचवें महा उपाय की। क्या घर का कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है? एक देसी अखंडित पान, गुलाब का फूल और कुछ पताशे, जो भी इंसान ज्यादा बीमार है उसके ऊपर से 31 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर चौराहे के पास या आप किसी सुनसान जगह के पीपल के पेड़ के नीचे भी रखा है। इस प्रभाव से जो बीमार आदमी है उसमें ज्यादा सुधार आएगा, लेकिन डॉक्टर को दिखाते रहें, साथ में ये उपाय कीजिए। साकार करें सपने अपने।